हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबली। आपका स्वागत करती हूं बबली किचन में। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसके साथ आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल वाला टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मेवा पाक की रेसिपी। इसको जन्माष्टमी में बनाया जाता है। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और भोग भी लगा सकते हैं, या फिर कभी भी बना सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट से बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्टी मेवा पाक की रेसिपी। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप देसी घी लिया है, लेकिन मैं पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ। ज़रूरत के हिसाब से बाद में हम डालेंगे। और जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा, हमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है गोंद, और 2 टेबल स्पून गोंद हम डाल के घी में फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसे खाने वाला गोंद कहते हैं। ये बहुत ईजिली ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे आप लो फ्लेम पर ऐसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, तो ये साइज में बड़ा हो जाएगा फूल के और पॉपकॉर्न की तरह दिखेगा आपको। तो बस 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, साइज में बड़ा भी हो गया है। तो हम इसको घी में से बाहर निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकाल लेते हैं इसको, और फ्राई किए हुए गोंद को हम ऐसे हाथ से दबा के देखेंगे, ये फूट जा रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब बचे हुए घी में हमें डालना है बादाम। तो 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लिया है, और काजू लेंगे 4 टेबल स्पून, और लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को हमें क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो ये क्रंची हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको पसंद है ज़्यादा ले लीजिए, जो पसंद नहीं है वो कम कर लीजिए। और 2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉलनट, यानी कि अखरोट, और इसको भी हम क्रंची होने तक ही फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट भुनने के बाद अखरोट भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये भी क्रंची हो गया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं काजू और बादाम के साथ। और बचे हुए घी में हमें डालना है 1 कप लोटस सीड्स, यानी कि मखाना। फ्रेंड्स, लोटस सीड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ इससे स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो हम मेवा पाक बना रहे हैं। तो उसमें ये आप ज़रूर डालिएगा। और इसको भी हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, तो घी के साथ भून के ये बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद कुछ चीज़ें हमें ड्राई रोस्ट करनी है, तो इसके लिए मैंने दूसरा पैन रखा है। और इसमें हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, और इसकी जगह पे आप चाहें तो सूखा नारियल का गोला जो आता है उसको भी ग्रेट करके ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ये लिया है। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून खसखस, यानी कि पॉपी सीड्स। इससे भी बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। लो फ्लेम पे 2 मिनट भूनने के बाद कोकोनट का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, किशमिश को हमें फ्राई नहीं करना होता है, तो कोकोनट अभी गर्म है, तो इसमें मैं साथ ही साथ 2 टेबल स्पून किशमिश डाल रही हूँ कि ये गर्म है तो थोड़ा सा ये सिक जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें। और इसको हम मिला लेते हैं एक बार। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद उसे हमें क्रश करना है। तो क्रश करने के लिए ये अदरक कूटने वाला जो सबके घरों में होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर गोंद और मखाना तो पोटैटो मैशर से भी इजीली क्रश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ। किसी पैकेट में सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भर के एक बराबर कर लीजिए और बेलन से उसको क्रश कर लीजिए। तो ये बहुत इजीली हो जाता है दरदरा सा, क्योंकि हमें बारीक नहीं करना है। तो मिक्सी में मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा दरदरा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। तो एक बराबर इसको इस तरह से करना है। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा ड्राई फ्रूट्स क्रश हो चुका है, वो भी एकदम दानेदार सा, बिल्कुल भी बारीक हमें नहीं मिक्सी में पीसना है। एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए,
ऐसा रहेगा तो हमारा मेवा पाक बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप चीनी, तो ये रहा दूसरा कप, और 2 कप चीनी लिया है और वेट में ये 400 ग्राम है, और उसी कप से हमें 1 कप पानी लेना है। जितना चीनी लेंगे उससे आधा पानी लेना है। आप किसी बॉल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी को मिला के मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो चुका है। तो अब फ्लेम को मीडियम करके 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे इसको, और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। 5-6 मिनट पक चुका है, तो अब हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा करके इसको चेक करेंगे। चाशनी को जब दोनों उंगलियों के बीच ऐसे चिपकाएंगे तो एक तार बनना चाहिए। मेवा पाक के लिए एक तार बनना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का पाउडर, और टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इससे मेवा पाक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको मिला लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों को हमें डालना है फ्लेम को ऑफ रख के ही, क्योंकि अगर फ्लेम ऑन रखेंगे तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये रोस्टेड कोकोनट भी डालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पे फ्लेम को ऑन करके फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक कि चाशनी को ड्राई फ्रूट्स एब्जॉर्ब ना कर ले। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तभी ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आएगी। तो सारी चीज़ों को हम ऐसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो साइड में जो थोड़ा थोड़ा चाशनी दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा भी नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट पकाने के बाद ही ये इकट्ठा होने लगा है। तो फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसको जमाने की तैयारी करते हैं। मेवा पाक को सेट करने के लिए कोई ट्रे या फिर थाली घी से ग्रीस करके ले लीजिए, और इसमें गर्मा गर्म मिश्रण डाल के हमें स्पैचुला से एक बराबर करना है। तो ये काम थोड़ा जल्दी करें, वरना ये सेट होना शुरू हो जाएगा और जमना शुरू हो जाएगा। तो गर्मा गर्म मिश्रण डाल के ही स्पैचुला से एक बराबर फैला लें। देखिए जैसा कि मैंने फैला लिया है, और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कट किया हुआ मैं पिस्ता डाल रही हूँ, जिससे कि इसका लुक थोड़ा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और इसको भी दबा लें फ्रेंड्स। अभी मेवा पाक का मिश्रण गर्म है, जमा नहीं है, तभी हम एक नाइफ लेंगे और इस कट का निशान लगा लेंगे, जिससे कि अच्छा एक बराबर पीस निकल जाए। और ये पूरी तरह से ठंडा होकर जब जम जाएगा तो काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को हमने क्रश करके इसमें डाला है, तो एक बराबर पीस काटने में दिक्कत आता है। और गर्म में काट रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ईजिली ये कट रहा है, और वो भी एक बराबर पीस। तो अब मैंने काट लिया है इसको, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसका पीस निकाल के दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स 1 घंटे हो चुके हैं और हमारा मेवा पाक ठंडा हो गया है। तो एक बार नाइफ से फिर से हम कट कर लेंगे, ताकि ये एकदम क्लीन हो के पीस बाहर निकल आए। बहुत आसानी से निकल आता है इस तरीके से। तो पहले साइड्स को हम अलग कर लेंगे, और इसके बाद ये देखिए कितना ईजिली पीस निकल आया है, और बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स। बहुत यम्मी लगता है खाने में, और ये देखिए सॉफ्ट भी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कई जगहों पे मेवा पाक जन्माष्टमी के टाइम में बनाया जाता है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से बनाइए, और कभी भी मीठा खाने का मन करे तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।